ना, मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे मौका मिला वाइल्ड लाइफ एंड नेचर ट्रेल के दो लोगों से मिलने का, एंड वो टीम इतनी अमेजिंग रही, उन्होंने मुझे आज पूरा द्रास कवर करवाया। पूरा द्रास में मुझे शायद मैं ऐसे एज अ हॉल्ट ओवर लेके द्रास निकल जाती, लेकिन मुझे आज चांस मिला उन लोगों की वजह से, एंड दे रियली बिकम अ गुड फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुझे सारी जगह के बारे में बताया और हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। तो आई अंडरस्टैंड कि अगर ये भी डर है आपके मन में कि लोग कैसे हैं यहाँ के, तो आई वुड सजेस्ट कि लोग खैर हर तरीके के हर जगह होते हैं, बट थैंकफुली दीज पीपल आर देयर जो कि बहुत अच्छे से आपका ख्याल भी रखते हैं और बहुत माइन्यूटली, एंड उनका उनका पता है इंकरेजमेंट एंड उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा रहता है आपको हर चीज़ को दिखाने के लिए, हर चीज़ को बताने के लिए, एंड यू फील सेफ एंड सिक्योर विद देम ऑल्सो। तो मुझे ऐसे लोग मिले थैंकफुली, एंड सर की टीम के ही सब लोग हैं, इसमें सर हैं और बाकी फ्रेंड हैं, सलीम जी हैं, बाहुद्दीन जी हैं, जिन्होंने एक्चुअली में आई वुड से दे मेड माई डे। चांदनी से सलीम, बहाउद्दीन वगैरह से हम जुड़े हुए हैं वाइल्ड लाइफ और इनके बारे में, और ये ब्राउन बियर एक्सपीडिशन वाला वगैरह सारा ये सारा सेटअप यही करते हैं इनका। अब मैं तो छोटा सा एक हिस्सा हूँ इनका, तो बाकी तो सारी चीज़ें यही हैंडल करते हैं बहुत अच्छे पैमाने पर। इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए एक्सपीरियंस ये लोग पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं, तो हम बहुत थैंकफुल हैं इनके, क्योंकि ये सारे इतना मेहनत कर रहे हैं यहाँ के लोगों की फ्यूचर के लिए भी। करेक्ट करेक्ट बोलो करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली मैं बोलूँगी द्रास कुछ मतलब हर जगह का एक अपन जब रॉनेस होती है तो उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो उस जगह के बारे में एक्चुअली में चाहते हैं कि लोग जाने, तो वो लोग उनमें से हैं जो इस जगह के लोगों को चाहते हैं कि अच्छे से रोजगार भी उनको मिले टूरिस्ट के थ्रू, एंड प्लस उनकी जगह के बारे में लोग जाने कि क्या है एक्चुअली द्रास, द्रास में और क्या क्या चीजें हैं जो। तो यहाँ पे अगर जैसे कोई आना चाहे, मतलब आई वुड इनकरेज पीपल टू ऑल्सो कम एंड ट्रैवल टू बॉर्डर, लाइक बॉर्डर टूरिज्म शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज, क्योंकि बहुत डिफरेंट तरीके के कल्चर्स एक्सचेंज होते हैं बॉर्डर पे। तो यहाँ पे ऐसा क्या चीज है जो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए बेसिकली द्रास में? लोगों में उसमें थोड़ा सा लोग ज्यादातर पेट्रोटिज्म ये हो जाता है उसमें उससे। हाँ, एक तो हमारे यहाँ पे वार मेमोरियल है, करेक्ट, उधर जाने से कम लोगों को उन लोगों ने हमारे लिए कैसे लड़ा उसका एहसास हो जाता है। और दूसरी एक चीज है, मैं हम लोग के लिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे हमारा एक ये भीमबट गाँव बोलते हैं इसको, भीमबट, भीमबट ये भीम के नाम से है। अच्छा, भीम, भीम बट मीन्स हिंदी में एक स्टून, स्टून को बट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक स्टून है हमारे यहाँ पे। अब लोगों का कहना है, पुराने लोगों से ये ट्रांसफर होते हैं हम तक स्टोरीज पूछा है कि भाई जब महाभारत हुआ था तो में जब इन्होंने मतलब पांडवों ने जब हिमालयस का रुख किया था, तो महाभारत में कि उन्होंने वो हिमालयस में चले गए थे, तो उसके बाद वो इन इलाकों में पहुंचा है क्योंकि उनकी निशानियां यहाँ मिलती है, उस टाइम आए हैं और यहाँ भीमबट के नाम से गांव का रहना, या मिसाल द्रौपदी कुंड है यहाँ पे मटायन में द्रौपदी कुंड का रहना, कोई ना कोई हमें ये दर्शाता है कि भाई यहाँ इस एरिया में वो आए हैं। तो क्योंकि भीमबट है, अब हमारे बुजुर्ग लोगों से शिफ्ट होकर हमें ये स्टोरीज आया कि भाई ये भीम ही है जो यहाँ पे लास्ट लास्ट अपने आखिरी दिनों में वो यहाँ ये हुआ है। तो उधर हमारे जो औरत मतलब आज से 20-30 साल तक हमारे यहाँ के औरतें जाते थे, गाय दूध कमी करता है, दही नहीं बनती है घर में, मतलब बहुत सारे इसमें ये हैं। तो उन चीज़ों के लिए उनका अपना एक ये था, आस्था था, उस आस्था को लेकर वो वहाँ पे जाते थे और मक्खन छक्खन चढ़ा के अपने हिसाब से दिन में वहाँ खाना वाना बना के फिर लोगों में खाना बांट के वो आ जाते थे। ऐसे स्टोरी मतलब आया है, हम बुजुर्गों से हमने सुना है, एग्जैक्टली हमें भी पता है उसका नहीं, लेकिन बुजुर्गों से ये शिफ्ट होते होते आया है, तो उसमें कोई ना कोई फैक्ट तो होगा। जी, तो बेसिकली ये भीमबट गांव है जो कि द्रास के अंडर आता है, लगभग द्रास यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रह जाता, एंड कारगिल वॉर मेमोरियल एकदम पास में है यहाँ से, एंड मतलब स्टे करने के लिए ये भीमबट बहुत अच्छा लोकेशन है और सर का गेस्ट हाउस भी बहुत अच्छा है। यहाँ से आप भीमबट जा सकते हैं, भीमबट हार्डली यहाँ से 15 मिनट डिस्टेंस है, एंड भीमबट में बेसिकली जो स्टोन है जैसे सर ने बताया कि वहाँ पे जो स्टोन है वो बोला जाता है कि वो भीम जी का डेड बॉडी है। हम लोग ने भी काफ़ी रिसर्च किया इस बारे में, कि मेरे भी बहुत शॉकिंग एंड अमेजिंग फैक्ट था ये बेसिकली, कि वो भीम जी का मैंने तो सोचा था कोई पत्थर होगा जो भीम जी ने रखा है जैसे माना में है, तो लेकिन फिर पता चला कि अरे ये तो इससे बियॉन्ड स्टोरी है, भीम जी
का खुद ही है। एंड यहाँ पे पास में द्रौपदी कुंड भी है जहाँ पे बोलते हैं कि कुछ मान्यता वगैरह के लिए लोग जाते हैं उधर, जैसे भीम कुंड में जाते हैं, तो भीम भट्ट राइट। हाँ, सो बेसिकली बहुत अच्छी अच्छी जगह है द्रास में जो कि बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। एक्सप्लोर करने के लिए देखा जाए तो यू नीड दैट टाइम एंड प्लस इंफॉर्मेशन। जब तक आप यहाँ पे रहोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि मुश्को वैली कहाँ है, भीमबट कहाँ है, और मनमन टॉप कहाँ पे है, क्योंकि जहाँ पे एकदम रेड फ्लावर होते हैं। मुश्को वैली में भी एक वाइट फ्लावर वैली है, बियर्स आप वहाँ पे देख सकते हो, राइट सर। तो थैंक यू फॉर इनलाइटिंग दिस काइंड ऑफ नॉलेज टू अस, बिकॉज यू नो प्रेशियस थिंग होती है जब आप किसी जगह पे जाते हो, उस जगह के बारे में जानते हो, और जब तक नहीं जानो तब तक आपको उस जगह के बारे में एक्चुअली कुछ आपने ट्रैवल नहीं कर पाते हो। तो थैंक यू फॉर टेकिंग अस दैट टाइम ट्रैवल टू भीम भट्ट स्टोरी एंड द कारगिल स्टोरी आल्सो। So, जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे को ये करके, इधर ये इससे हमारी एक प्रमोशन हो जाएगी। आजकल इस बेरोजगारी के दौर में बहुत सारे जवान इन चीज़ों से अगर टूरिस्ट की प्रमोशन हो जाएगी तो उनका रोजगार बनने का भी चांसेस रहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे लोग इस तरह यहाँ पे आके हमें प्रमोट करने के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सर, का गेस्ट हाउस बहुत अच्छी लोकेशन पे है, मैं शाम को देख रही थी, बहुत अच्छा सनसेट आ रहा था रूम में। इधर जो सेटिंग एरिया उन्होंने बनाया हुआ है खाने पीने के लिए, बहुत ऑथेंटिक सा कल्चर सा फील देता है। एंड पीछे साइड से सनसेट का रोशनी आता है, बहुत अच्छा है। टाइगर हिल यहाँ से दिखता है, टाइगर हिल के अलावा विक्रम बत्रा टॉप भी आपको यहाँ से दिखता है, जहाँ पे विक्रम बत्रा जी शहीद हुए थे। एंड वो भी टॉप दिखता है जहाँ पे विक्रम बत्रा जी ने पहला ऑपरेशन सक्सेसफुली अचीव किया था, उसके बाद वो विक्रम बत्रा टॉप पे गए थे टाइगर हिल। तो ये एक ऐसा प्लेस है ना जो एक्सपीरियंस करने वाली बात है, देखने वाली भी बात है, एक्सपीरियंस करने वाली बात है। टू मच ऑफ ट्रैवल स्टोरीज आर आल्सो देयर, तो कम एंड जॉइन।